किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा किरदार वही कर रहा हूँ जो 40 साल से कर रहा हूँ। आई एम प्लेइंग अ बैड मैन। उस यूपी का बहुत बड़ा एमएलए है जो माफिया है, उसका भाई है जो सारे गंदे काम करता है। अल्टीमेटली उसकी भी विश है कि मैं अपने भाई की जगह पर एमएलए बन जाऊँ और माफिया किंग बन जाऊँ। वो क्लाइमैक्स है, होता है नहीं होता है, वो दैट्स द क्लाइमैक्स विच यू हैव टू सी इन द सीरीज। तो मेरे कैरेक्टर का, मेरे किरदार का नाम है सीमा। एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि मुझे इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। क्योंकि जनरली मेरे लिए मेरा खजाना वही है कि मुझे किस टीम के साथ काम करने का मौका मिलता है। और आई बिकम वेरी रिच व्हेन आई वर्क विद पीपल हु आर देयर इन द इंडस्ट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेरा उनसे बातचीत करके मैं काफ़ी कुछ सीख जाती हूँ। तो इसलिए आई फील ब्लेस्ड एंड माई कैरेक्टर इज इट्स लाइक अ गर्ल, शी इज चुलबुली और उसके साथ क्या होने वाला है उसे पता नहीं है और वो फंस जाती है एक रैकेट में, फिर वो कैसे बाहर निकलती है। और पारस जो मेन किरदार प्ले कर रहा है वो उससे कैसे प्यार करती है, वो उसका बॉडी गार्ड होता है। और ये पूरी कहानी है कि कैसे उनकी लव स्टोरी भी का भी एक एंगल है। सो आई लाइक माई कैरेक्टर। अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा काम किया है और स्क्रीन पर खूबसूरत भी लगती है। थैंक यू सर। ऑल्सो सर, अगर बात करें बहुत सारे नए एक्टर्स भी हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना? ऑल एक्टर्स आर वेरी गुड, दे बहुत ही सब फोकस्ड थे और अपने अपने किरदार में वो बिल्कुल जम गए हैं। मुझे लगता है कि सारी कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है एंड जब कास्टिंग अच्छी होती तो लोगों का देखने का एक नज़रिया बदल जाता है और वो प्रोडक्ट में, वो प्रोजेक्ट में एंग्रोज हो जाते हैं, घुस जाते हैं। तब होता है जब कास्टिंग अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो और पूरा सीनरी अच्छा हो। अच्छा, आई थिंक इज एड्रेसिंग मी। यस जी, बिल्कुल सही आपने कहा है और उसी का जिक्र मैंने किया अभी कुछ टाइम पहले। ऐसा किरदार मैंने किया नहीं है पहले और बड़ा अच्छा लगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। हर एक एक्टर की ये ख्वाहिश होती है, खोज होती है कि एक अलग किस्म की भूख पैदा हो जो वो सेटिस्फाई कर सके। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ऑडियंस उसको पसंद करे। तो हस्तिनापुर में जो आदित्य नारायण का मुझे किरदार मिला, मैं बेहद खुश हूँ एंड इट्स ऑल थैंक्स टू पारस एंड सौमित्रा। और क्योंकि लोग ऐसे रोल्स में मुझे कास्ट करते नहीं थे और आदित्य नारायण जो है वो ट्रेलर में जो दिखता है वही है और उसके आगे पीछे कुछ है नहीं। मतलब अगर आपको मतलब आम जिंदगी में, अपनी लाइफ में कोई आदित्य नारायण जैसा इंसान मिल जाए तो मुड़ के भाग जाना क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं। पर ऐसे लोग होते हैं एंड बेस्ट थिंग अबाउट हस्तिनापुर इज इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं अलग अलग किस्म के, बट दे ऑल आई फील रियलिटी बेस्ड। तो सब में एक आपको पहचान मिलेगी, एक आपको लिंक मिलेगा कि हाँ यार। सो जब कैरेक्टर्स बिलीवेबल, आई मीन दिस आई एम सेइंग प्योरली एज एन एक्टर, ऑल ऑफ अस एक्टर्स, जब बिलीवेबल होता है कैरेक्टर तो फिर ऑडियंस के लिए बिलीवेबल होता है। सो वो हमारे पास, वी हैव, वी आर वेरी लकी दैट वी आर अ वेरी गुड स्क्रिप्ट एंड अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड द वे इट्स बीन शॉट ऑल्सो इट्स रिमार्केबल। आई मीन द होल टेक्निक, द वे द, यू नो, द कैमरा वर्क, एवरी थिंग, द साउंड, द एडिटिंग, सो पुट टुगेदर वी आर, वी आर वेरी लकी एंड आई थिंक मज़ा आएगा एंड आई होप आप सबको भी मज़ा आएगा। पारस सर जी, थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताइए और मेरा जो करेक्टर है इसमें गट्टू का, चार दोस्त हैं तो इसमें से ये और जो बाकी के तीन हैं, ये तीनों चारों का गैंग रहता है, जो चारों का गैंग रहता है जो बस अपनी कुछ उधेड़ भुन में लगे रहते हैं कि कहाँ से कैसे पैसे कमा लें। तो वो कहीं ना कहीं ऋतुराज जी सर और शिवा जी के साथ वो कहीं पे आके इन्वॉल्व हो जाते हैं।
जो ऋतुराज जी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा दबंग कैरेक्टर है कि वहाँ के जितने भी छोटे छोटे मिनिस्टर्स हैं या छोटे छोटे मंत्री भी हैं ना, वो सब कांपते हैं उनसे। और जो इनके ब्रदर हैं शिवाजी, वो बिल्कुल इनके ऑपोजिट हैं, वो सारे ब्लैक कारनामों में घुसे रहते हैं। तो ये जो चारों लड़के हैं ये इनके पास कहीं ना कहीं जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कैसे वो अपनी चारों की जो दोस्ती है, कैसे चारों की अलग जर्नी स्टार्ट होती है, चारों किस पाथ पर निकल जाते हैं, वो सब इन दो कैरेक्टर्स के अंडर रह जाते हैं। कैसे वो अपनी जर्नी को आगे अनवील करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, दोस्तों में ही मुठभेड़ हो जाता है, लड़कियों को लेके हो जाता है, बहुत सारे नोकझोंक इसमें आपको देखने को मिलेगा। जब आप देखेंगे, अगर मैं पूरा बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ। जब आप देखोगे तो आपको अलग ही एक गूज़बम्प, एक एनर्जी फील होगी कि हाँ, जो कैरेक्टर्स थे सब ने अपना परफॉर्म किया, बट मेरा जो किरदार था उसमें, इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर मी टू अडाप्ट बिकॉज आई एम नॉट अ स्मोकर। उसमें मेरे को एज अ चेन स्मोकर दिखाया था, राइट। तो फॉर मी इट वॉज अ फर्स्ट टाइम इवन टू होल्ड अ सिगरेट। तो मैं प्रमोट नहीं करता हूँ चीज़ों को, बट लेकिन इट वॉज अ कैरेक्टर डिमांड, आई हैड टू डू इट। तो मेरे जो को स्टार्स थे उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया कि कैसे करना है या क्या करना है। तो इट वॉज रियली टफ, बट थैंक्स टू द डायरेक्शन टीम, थैंक्स टू द टेक्नीशियन टीम, एंड थैंक्स फॉर द एक्टर्स फॉर कोऑपरेटिंग इन द सीन्स। बिकॉज जो हमारे सर्कमस्टांसेस थे उस टाइम पे शूट करने के, जैसे हमने बताया अभी, ठंड इतनी थी कि अगर आप वहाँ पे टेक दे रहे हो तो आपके हाथ शिवर करते हैं यूजुअली ठंड में। तो वहाँ पे सब ने इतना कोऑपरेट किया एंड एवरीबॉडी वॉज सो लवली। सो थैंक्स फॉर एवरीवन। और आप प्लीज़ सीरीज देखिएगा, एपेक्स प्राइम डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन फ्री है, और प्लीज़ उसमें देखिए और आप एंजॉय करिए। हैट्स ऑफ टू दिस बॉय, इसने मतलब एक टी शर्ट में, पतली शर्ट में मोटरसाइकिल चलाई इतनी ठंड में, अभी रात को 1 बजे। और वो उसके अलावा अभी जो ये बात कर रहा है तो आपको इनकी भाषा पता लग रही है, जबान, और उसमें कितनी मेहनत की होगी इस लड़के ने। फैंटास्टिक द वे ही प्लेड दैट कैरेक्टर एंड द वे ही स्पीक्स। गट्टू, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ऋतु ने कहा कि उनका जैसे कैरेक्टर वो वैसे ही है, तो मेरा जो कैरेक्टर आप देख रहे हो ना वो बिल्कुल वैसा नहीं है। सो आप जो मुझे जितना देख रहे हैं ना, वो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स में है। जब आप सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम लखनऊ में शूट कर रहे थे विद सच अ फैबुलस कास्ट, एंड बहुत मजा आया। जैसे कि पारस ने बोला कि वो बाइक चला रहा था 1 बजे, तो मैं साड़ियों में घूम रही थी रात को 2 बजे। और मतलब जैकेट टेक से पहले वो आग के बाजू में खड़े होते थे, निकालते थे फटाफट, वहाँ खड़े होते थे और वापस ऐसे से हाथ, मतलब जो शॉर्ट था मुझे ऐसे पकड़ना और मेरे हाथ ऐसे कांप रहे हैं। फिर थोड़ी देर में हाँ नहीं नहीं हो जाएगा। बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू सौमिता एंड पारस फॉर हैविंग मी इन द सीरीज। ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग सीरीज है। आप लोग प्लीज एपिक्स प्राइम डाउनलोड करिए और इस सीरीज को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। बट एक चीज है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन दिस सीरीज इज टोटली ऑफ बीट और टोटली डिफरेंट है। आप देखोगे हर एक कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाएगा कि काश अगर मेरे को अगर रोल मिलता हो करने को तो मैं ऐसा प्ले करता हूँ। तो वो है, दैट्स ट्रू, आई एग्री टोटली। वेरी वेल क्राफ्टेड, वेरी वेल रिटन। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर था मोहन एक ऐसा कैरेक्टर था जो मतलब उसे गुस्सा आता ना, बस तुरंत निकालता रिवॉल्वर, ठोक देंगे, अब इसकी माँ बहन करके ठोक देंगे बस। जितना मैं दिखता हूँ शकल शरीफ, मैं उसमें नहीं हूँ। शकल से तो बुरा लगता हूँ ना, बट मैंने इस वेब में इतनी गालियाँ बक्की है अपनी लाइफ में, मैंने कभी इतनी गालियाँ बक्की नहीं होगी, बहुत ज़्यादा। इनका ना, इनका उसमें एक लाइन है जो तुम्हारी है, हाँ मैं मोहन बोल के बता दो, हाँ मैं मोहन, नहीं नहीं जो पूरी लाइन है। अच्छा अच्छा, वो डायलॉग थोड़ा मैंने बनाया था, खुद से बनाया था, मतलब बहुत अच्छा वो है। वो ऐसा था कि काबे भोसड़ी के चाहे दिमाग ना चलाओ, मैं एक ठोक दे, भोसड़ी के हाँ दिमाग ना चलाओ, नाम है मोहन, मां चोद देंगे और दीवार पोत देंगे, और दीवार पे नाम लिख देंगे मोहन, क्या मोहन। रितु सर के साथ शो करता था लाडो, सो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ वहाँ हुआ था। And I saw him doing as a gaon ka kuch sarpanch, I think you were playing something. Yeah, negative. He was a negative over there. Balwant Chowdhury. Yes.
सो जब हमने हस्तिनापुर की कास्टिंग स्टार्ट करी थी तो वी वर लुकिंग फॉर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स कि यार हमें ये चेहरा पसंद है या ये लुक में जाएगा. तो मैंने शोमिता को एक चीज़ बोली थी कि जो हमारे आदित्य नारायण जो बनेंगे वो बनेगा ऋतुराज. अरे थैंक्स सो मच. वो सबसे पहले वर्ड से मैंने कहा और कोई नहीं, सब पे कांटा लगा. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू. सो दैट वाज हिज कैरेक्टर. मैंने इनको देखते ही फाइनल कर दिया. मैंने कोई लुक टेस्ट नहीं किया कुछ का. मैंने कहा ही इज माय परफेक्ट आदित्य. दैट्स रियली ग्रेट. दैट्स फ्रेंडशिप एंड आल्सो दैट्स ट्यूनिंग बिकॉज़ वी हैड हमने काफी अच्छा काम किया था. ऑल्दो उस वक्त मैं टेलीविजन छोड़ने जा रहा था लाडो टू. मैंने फिर उसके बाद एक राजन जी के लिए छोटा कैमियो किया लेकिन ऑफिशियली छोड़ दिया था. बट आई एम सो हैप्पी कि उसके पहले नहीं छोड़ा. उसके पहले छोड़ने वाला था तो हम मिलते नहीं फॉर फिल्म्स एंड फॉर ओटीटी. नहीं तो हम मिलते नहीं. आदित्य नारायण भी नहीं मिलते. एंड अब इन्होंने ऐसा बोला है आदित्य नारायण के लिए तो आई होप आई हैव डन जस्टिस टू द रोल. यस यू डिड. ऐसा नहीं कि बाद में कल परसों ये लोग मुझे फोन कर रहे हैं अरे ऋतुराज एक बात बता यार ऐसा मत करना भाई. ओके थैंक यू सो मच. आप सब आए हमारे लिए. आपको बहुत बहुत प्यार दिल से. एंड प्लीज डाउनलोड एपेक्स प्राइम. Please watch and enjoy it. And Apex Prime is going to come out with a lot of other very, very lovely, brilliant shows. So please get hooked on. Okay? Love you all. God bless you. Thank you. Love you. जो मेरी फ्रेंड का ऐप है राइट एंड राइट व्हाई व्हेन इन डाउट यस आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक ऑल द एक्टर्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. बहुत एक्साइटेड हूं मैं ये सीरीज को देखने के लिए. यहाँ की मैंने गैंग ऑफ वजीरपुर देखी थी. मेरे को ये उसका टक्कर का लग रहा है. एंड आई एम श्योर सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा इसमें कलाकारी निभाई है. और जो मैंने ट्रेलर देखा बहुत ज़्यादा लाइक अ बम्बार ट्रेलर था. एंड ऑब्वियसली इसमें मेरे सारे दोस्त हैं, मेरी बहुत क्लोज जिगर की मेरी टुकड़ी, मेरी फ्रेंड शी इज़ अ प्रोड्यूसर. सो आई विश द इंटायर टीम ऑल द बेस्ट. प्लीज़ आप लोग सब ये ऐप डाउनलोड कीजिए और इस सीरीज को देखिए. थैंक यू सो मच. वो तो डिफिकल्ट था बट चैलेंजेस तो ऐसा नहीं क्योंकि थैंक यू की चैलेंजेस तो ऐसा नहीं बट थैंक यू कि मेरे सारे फ्रेंड्स ही है ऑलमोस्ट. हमें ऐसा लगा कि चलो एक फैमिली मिलके ही ये काम करते हैं. एंड थैंक यू कि अच्छा आउटपुट जो भी है वो अच्छा हुआ. एंड आई एम रियली हाँ थोड़ा टाइम लग गया आई नो कि बिकॉज आफ्टर कोविड काफ़ी टाइम लगा कि इंडस्ट्री को भी वापस आने में. तो हमने सोचा था कि हम इसको अगर लॉन्च करेंगे एक सही टाइम देख के तो अब हमें लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम. एंड आई होप आप सबको अच्छा लगेगा. चैलेंजेस ऐसा कुछ सच नहीं आया क्योंकि सब लोग बहुत कोऑपरेट है और सब ने हमें बहुत मतलब एक तरफा बताओ कि फ्रेंड लोगों फ्रेंड ने ही मदद भी की है कि चलो और मस्ती मजाक में ही हमने शूट किया है. ठंड बहुत थी, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हुई है ठंड में शिफॉन के साड़ी पहन के. रिसर्च मैंने बोलूंगा रिसर्च बहुत अच्छा किया है. लाइक द होल रेकी हैज बीन डन द जो उनका पूरा जो लुक दिया है दैट्स ऑनेस्टली बताओ कि रिसर्च एंड ऑल. आज सोमजी दादा इज नॉट हियर बिकॉज़ सोमजी दादा इट्स अ वेरी नाइस एक्टर है. इट्स लुकिंग वेरी ऑथेंटिक यू नो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीरीज लुकिंग वेरी ऑथेंटिक. बहुत रियल लग रहा है. इट्स बीन शॉट वेरी ब्यूटीफुली. The whole cinematography, the whole direction, the actors, it's looking very, very polished. Thank you. I hope that directors नहीं है अभी. अगर director होते तो मैं और अच्छे से आपको elaborate कर सकती थी. But yeah, director is in Kolkata, but उनके तरफ से ही मैं बता रही हूँ कि आप सभी लोग Apex Prime please download कीजिए and I'm sure आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. I'm very happy because she is a very good friend of mine and very close to my heart. So I'm very very grateful that you know I am her friend and she's doing a brilliant job right now. Congratulations to the entire team, to Paras, Shweta and you and you know all Apex Prime team. And yeah, I know that you're very raw, hai, very authentic and it's gonna do bomb. That's it. First of all, thank you for inviting us, Soumita and Paras, and very very congratulations you guys and all crew members. So मैं ये बोलूँगी कि मैंने अभी just देखा trailer तो it's really 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 so awesome. मतलब मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था and then जब मैंने देखा उसको कि यार mid में जो actions थे और जो भी वहाँ पे you know dialogue और मुझे ना ऐसा लग रहा था kind of Mirzapur and really it's so so awesome Hastinapur. मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मैं यही wish करूँगी सबको कि प्लीज़ आप लोग Apex Prime OTT डाउनलोड करना और देखना ज़रूर. एंड ऑल ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर योर न्यू थैंक यू दैट्स इट थैंक यू मोस्ट वेलकम.
looks so amazing and superb and he's my very very old friend yeah. like you know we know each other hum dono ek dusre ko 15 saal se zyada jante hain and I'm sure you know he will definitely rock aur trailer hi itna amazing hai to I'm sure movie bhi super amazing hogi thank you so much and I'm here just to bless Paras he's my very very good friend so all the best Paras thank you so much thanks all my coming. Best wishes for him and Shaumita both thank you guys yeah. thank you Welcome. thank you